कक्षा 9वीं में हम जो हमारा अध्याय 15 चल रहा है, खाद्य संसाधनों में सुधार, उसका जो लास्ट भाग है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये जो पशुओं को, अन्य जीवों का जो हम पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कुक्कुट। कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन। और आप सब जानते हो कि कई लोग इसको इनके अंडे और इनके मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो जब हम अंडे के लिए उपयोग करते हैं, तो जो मुर्गी पालन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेयर। क्या बोलते हैं? लेयर। इनसे हम अंडे प्राप्त कर सकते हैं। और मांस के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोलर। तो हम अंडे और कुक्कुट मतलब मुर्गी के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन करते हैं। आजकल आप देख रहे हो ना, मुर्गियों को ब्लूफर्ड और कितने सारे रोग भी हो जाते हैं। तो इन रोगों से बचाने के लिए हमें इनके आवास, इनके स्वस्थ भोजन के बारे में पढ़ना है कि इनको, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तभी ये अंडे देने वाली जो लेयर मुर्गी हैं और ब्रोलर, इनको पालन अच्छी तरह से किया जाए। इनमें भी अच्छी अच्छी किस्में होती हैं, कुछ देसी किस्में भी होती हैं, कुछ विदेशी किस्में भी होती है। देसी किस्में होती है जैसे एसिल, और विदेशी किस्में लेगहार्न। तो इनका भी आपस में संकरण कराते हैं ताकि हमें उच्च अच्छे गुण मिलें, मतलब चूजों की संख्या ज़्यादा मिले, अच्छे क्वालिटी के रहें। और छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। और ऐसे ब्रोलर और ऐसे जो लेयर, लो लेयर है, वो ऐसे रहें कि उनमें उच्च तापमान और गर्मी में रहने की, सहने की क्षमता हो, कम खर्च हो, अंडे देने वाले ऐसी क्षमता वाले हों जिनसे कि हम कृषि के खेती करते हैं तो साथ में उनका पालन भी करें, और उनसे जो प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का, जो खेती में जो रेशेदार पदार्थ हमारे पास बचते हैं, तो उनको खाद्य के रूप में हम इन कुक्कुट और मुर्गियों को दे सकें। तो इस प्रकार अंडे तथा ब्रोलर, अंडे समझ गए हो ना, तो ये ब्रोलर और अंडे मतलब लेयर, लेयर और जो मांस के लिए जिनका उपयोग करते हैं उनको ब्रोलर कहते हैं। तो इनकी मृत्यु दर कम हो और इनके पंख और इनका जो मांस है वो अच्छी गुणवत्ता का रहे, तो इनके लिए हमें विशेष मुर्गी पालन में अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है, अच्छी प्रबंधन प्रणालियां अपनानी पड़ती है। उनका आवास, आवास मतलब रहने का स्थान, उनको गर्मी ना लगे तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और उनको जो भोजन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कुक्कुट आहार, वो भी अच्छा रहे ताकि वो स्वस्थ रह सकें। ब्रोलर की आवास, पोषण, पर्यावरणीय आवश्यकताएं मतलब वातावरण में रहते हैं, क्योंकि जो ब्रोलर है उसके आहार में और जो लेबर है उनके आहार में थोड़ा सा अंतर होता है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन वसा ज़्यादा होना चाहिए, और इस प्रकार कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। अच्छा, इनको बीमारियां ना हो तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जीवाणु विषाणु कवक परजीवी, तो यदि कमजोर होंगे तो ये आसानी से उन पर क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। तो वहां पर छिड़काव किया जाता है रोगाणु नाशी पदार्थों का, और मुर्गियों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार हम उनका ध्यान रखते हैं जिससे कि इसका पालन, कुक्कुट पालन हम अच्छी तरह से कर सकें। ये हो गया कुक्कुट पालन, आप समझ गए मुर्गी पालन। अब हम पढ़ेंगे मत्स्य उत्पादन। कई लोग अपने भोजन में मछली को भी शामिल करते हैं, तो मछलियां समुद्र से मिलती हैं, अलवणीय जल छोटे छोटे उससे भी मिलती हैं। तो हमें, कई लोग मछली को पालते भी हैं, तालाब बनाकर,
तो इस प्रकार, तो एक होता है कि लोग पकड़ते हैं प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा स्रोत है कि मछली संवर्धन, मतलब मछलियों को ऐसा छोटा मोटा तालाब बनाकर पॉन्ड जैसा, और उसमें मछलियों को पालते हैं। मछली कई जातियों की होती है, एक होती है पखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां, प्रॉन, एक झींगा मछली भी होती है, और मोलस्क भी आ जाते हैं। तो जो मछलियों है वो तो समुद्र में भी होती हैं, और जो हमारा ताजा जल है, अलवणीय जल, छोटी नदियां, वहां भी तालाब, इनमें मछलियां पाई जाती हैं। और मछली संवर्धन मतलब मछलियों की संख्या को बढ़ाना, तो ये समुद्र जल और ताजे जल की मछलियों को अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। अलवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा कम हो, लवणीय जल समुद्र का जल, तो उनके अनुसार, उनके पारिस्थितिक तंत्रों के अनुसार उनका मत्स्य उत्पादन संवर्धन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समुद्री मत्स्य की, मतलब समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं मैक्रोबैकियम रोजनवर्गी, पीनस मैनेडोन, ये समुद्री मछली है, इसको झींगा मछली भी कहते हैं। तो जो समुद्री मछलियां हैं उनकी जातियां हैं पॉम्फ्रेट, मैकल, टुना, सार्डाइन, बॉम्बे डक। तो समुद्री मछली के लिए नाव, जो नाविक होते हैं, जो ना वो जाल का प्रयोग करते हैं। आजकल विभिन्न नई टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट, मतलब आप जानते हो ना, कृत्रिम उपग्रह, उनसे मछलियों पानी के अंदर खोज कर ली जाती किस एरिया में कौन सी जाति की मछलियां पाई जाती हैं। प्रतिध्वनि, कुछ प्रति जो जंतु रहते हैं वो प्रतिध्वनि, ध्वनि पराध्वनि के से सुग्राही होते हैं, तो प्रतिध्वनि गंभीर तापमापी से भी हम मछलियों का मात्रा क्या कर सकते हैं, पता कर लेते हैं, और इस प्रकार हम उनका मछली का उत्पादन बढ़ाते हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां, समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है, मतलब उनका संख्या बढ़ाई जाती है संवर्धन। मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, कवचीय मछलियां जैसे झींगा मछली, मसल तथा ऑयस्टर, ये एक मोलस्का संघ के जीव हैं। साथ ही समुद्री खरपतवार, जो समुद्र में पेड़ पौधे उगाते हैं अनावश्यक, ओएस्टर एक मोलस्का है जिसका संवर्धन मोतियों को, सीप है, ओएस्टर मतलब एक प्रकार की सीप होती है, सीप के अंदर मोती पाया जाता है, ओरिजिनल लोग इसकी खेती करते हैं और सीप के अंदर से मोती प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि समुद्री मछलियों का भंडारण यदि कम है तो इन मछलियों का संवर्धन किया जाता है, और जब हम उनकी संख्या बढ़ाते हैं अलग से तो इसको हम बोलते हैं समुद्री संवर्धन, या इसकी इंग्लिश में जो शाखा है वो है मैरी कल्चर। ये थी, हमने अभी समुद्री मछलियों के बारे में पढ़ा था। अब होता है अंत स्थली मत्स्य की, जैसे नाले, तालाब, पोखर, छोटी छोटी नदियों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, और कुछ खारे जल में भी जो मछलियाँ पाई जाती हैं, नदी मुख, नदियों का जो मुख मुहाना होता है वहाँ, एस्चुरी, लैगून, वहाँ भी मछलियाँ ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मछली के संवर्धन को कभी कभी धान की फसल के साथ भी करते हैं, क्योंकि धान की फसल में पानी में होती है, तो साथ में वहाँ मछलियाँ भी हो जाती हैं। तो दोनों प्रकार, चावल की फसल भी मिल जाती है और मछली की संवर्धन भी हो जाता है। मछलियाँ कई जातियों की होती हैं, बहुत सारी, अभी आप चित्र देखोगे तो हम पांच छह मछलियों की जातियों का प्रयोग करके उनका संवर्धन करते हैं, और इस प्रकार करते हैं तालाब में, या कि जो अलग अलग जातियों की मछलियां हैं वो अलग अलग भोजन लें। कुछ मछलियां ऊपरी सिरे से भोजन लेंगी, कुछ बीच से लेंगी, और कुछ नीचे से लेंगी, तो इससे क्या होगा, उनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जैसे कटला मछली है, ये ऊपरी सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली है, वो मध्य मध्य क्षेत्र से भोजन लेती है।
मृगल और कामन कार्प नीचे से भोजन लेती है। एकदम तीनों जातियों की मछलियों को एक ही तालाब में एक ही जगह हम इनको रखते हुए इनका संवर्धन कर सकते हैं, जिससे कि उनमें आहार के प्रति कंपटीशन ना हो, प्रतियोगिता ना हो। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है कोई मछलियां, तो ये साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब में मछली का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, कटला, सिल्वर कार्प, ये रोहू मछली है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें। ये ग्रास कार्प, ये मछली की जातियां हैं, ये मृगल और ये कॉमन कार्प। आप इनका आकार देख रहे हो ना। थोड़ी मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या भी होती है कि कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से लिए जाएं, तो अन्य जाति के डिम्ब, डिम्ब मतलब जो अंडे के बाद जो अवस्था होती है, अंडा लार्वा प्यूपा डिम्ब, अंडे के बाद जो अवस्था होती है वो डिम्ब कहलाती है। मछली संवर्धन के लिए अच्छे डिम्बों का उपलब्ध न होना ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन्स के उपयोग द्वारा किया जाए, और जब चाहे ऐच्छिक मतलब जो वर्षा ऋतु का जो समय है वो ना करके हम अपने इच्छा अनुसार हार्मोन्स का प्रयोग करके ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनके छोटे अंडे से जो डिम्ब अवस्था बनती है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका मछली संवर्धन। अगला है मधुमक्खी। आपको मालूम है मधुमक्खी से शहद मिलता है। शहद के अलावा एक प्रकार का मोम भी मिलता है, जिससे कि मोम का भी उपयोग कई जगह किया जाता है, ग्रीस वगैरह के लिए भी किया जाता है। अब जो मधुमक्खियां होती हैं इनकी भी कई जातियां होती हैं। एपिस सरका इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, ये कई जातियों की मधुमक्खियां हैं। इस प्रकार एक इटली मक्खी है, उसका जो नाम है जूलॉजिकल नेम है एपिस मेली फोरा। तो इस प्रकार ये छाते बनाए जाते हैं, ये पेड़ के ऊपर इनके छाते बनते हैं, और मधुमक्खी से मोम भी प्राप्त होता है और शहद भी प्राप्त होता है। शहद एक अच्छा दवाई के रूप में काम करता है। और जो व्यावसायिक रूप में मछली नहीं, मधुमक्खी जो का पालन करते हैं वो इटली मधुमक्खी का व्यवसाय के रूप में हम पालन करते हैं, क्योंकि जो इटली मक्खी एक जाति है ये, इसमें मधु ज्यादा जमा होता है, ये डंक भी कम मारती है और ये छत्ते में काफी समय तक रहती। इतने सारे गुण हैं, प्रजनन तीव्रता से करती हैं, तो इस प्रकार इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो व्यावसायिक रूप से जिस मधुमक्खी का हम पालन करते हैं वो है इटली मक्खी, इटली मधु मक्खी। और ये मधुमक्खियों को संख्या इनका एक जगह एक फॉर्म जैसा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मधुवाटिका या मधुमक्खी फॉर्म। अब जो मधु, मधु मतलब होता है शहद, मधु मतलब शहद। तो जो शहद है उसकी कीमत गुणवत्ता मधुमक्खियों के चरागाह है, मतलब मधुमक्खियां जो भोजन लेती हैं उसको हम चरागाह शब्द यहाँ लाया है। तो जो फूल हैं, अब उनका जो शहद है खुशबू अलग अलग आती है, तो वो किस प्रकार के फूलों का सेवन करती हैं उपलब्ध फूलों पर निर्भर है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद और परागकण, फूल में परागकण पाए जाते हैं, उनको चूसती हैं। तो इस प्रकार वो कौन से फूलों का ज्यादा उपयोग करती हैं उसके आधार पर शहद प्राप्त होता है और उसकी कीमत भी उसी के अनुसार होती है। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन पर एक आप संक्षिप्त नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए और आज फिर आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।